Hey guys, what's up? How's everybody doing? I hope you guys are doing absolutely fine. So at the very outset, I would like to wish you all a very happy new year. So guys, तो ये जो वीडियो है वो पहला वीडियो है 2022 के. और by the way, ये जो बैकग्राउंड देख रहे हैं ना, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ पर हूँ. वेल गाइस, मैं अभी यहाँ पर हूँ जिम में. बहुत दिन हो गया मैंने वर्कआउट नहीं किया और फिटनेस से बहुत बहुत दूर हूँ मैं. तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ. एक नया जिम खुला है, एक्टिव फिटनेस जिम. मेरा फ्रेंड का ही नया जिम है ये. तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे कुछ नॉलेज लेने और कुछ जानकारी लेने के लिए. तो कुछ एक्सरसाइज करते हैं. लेट्स हैव फन गाइस. हेल्दी एंड फिट. मेरा नाम है सार्विन डेरॉन. आई एम अ सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर एंड अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड अ फाउंडर ऑफ एक्टिव फिटनेस जिम दिफू. आज मेरा इंटेंशन है ये वीडियो बनाने का कि ताकि मैं आपसे आप लोगों से कुछ फिटनेस रिलेटेड कुछ बातें शेयर कर सकूँ एंड आपको कुछ एक्सरसाइजेस एंड कुछ टिप्स दे सकूँ. तो नॉर्मली आजकल देखा जाए तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ बहुत बढ़ रहे हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया एंड लो हीमोग्लोबिन हो गया एंड हार्ट रेट ज़्यादा होता है किसी किसी बहुत आजकल लोगों का. एंड देन न्यूट्रिशन प्रॉब्लम हो गया, मैल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम आजकल वैसे बहुत बढ़ रहा है. स्पेशली मतलब देखा जाएगा तो ट्राइबल्स एरिया में ज़्यादा होता है एंड रूरल एरिया में थोड़ा कम हो रहा है कंपैरेटिवली. एंड देन तो नॉर्मली आजकल देखा जाए तो एक्सरसाइजेस मतलब आजकल बहुत एक इम्पॉर्टेंट हमारा एक लाइफ का हिस्सा बन चुका है, जिससे आप अपने जितने भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है उससे मतलब ओवरकम कर सकते हो. मैंने नॉर्मली मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने जिम में देखा है कि लोगों का आजकल BMI जो है बिल्कुल ठीक नहीं रहता. लाइक अंडरवेट होते हैं कोई लोग ओवरवेट होते हैं, तो कोई भी मतलब जो नॉर्मल BMI रेट में नहीं आ रहा है मैक्सिमम लोग. और नॉर्मली आजकल जितने भी जिम ज्वाइन कर रहे हैं सब फैट रिलेटेड इश्यूज से कर रहे हैं. सबको अपना वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है. तो मेरे हिसाब से कि मैंने जो ऐसा वर्कआउट प्रोग्राम जो डिज़ाइन किया है वो बहुत क्लाइंट्स को मेरे काम भी किया है और इफेक्टिव भी बहुत है. तो वो लोग सेटिस्फाइड भी है. तो मैं चाहता हूँ कि लाइक वो कुछ एक्सरसाइजेस मैं भी आपके साथ शेयर कर सकूँ. और भी कुछ चीज़ें हैं जो लाइक स्टेबिलिटी हो गया एंड कुछ कंपाउंड मूवमेंट्स एंड बैलेंसिंग मूवमेंट्स हो गया एंड देन आपका कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हो गया, ताकि आपका जो ओवरऑल जो फंक्शन जो है बॉडी का मूवमेंट वो अच्छा हो, उससे इम्प्रूव हो. तो मैं उसी रिलेटेड आपको कुछ टिप्स एंड एक्सरसाइजेस आपको दिखाना जरूर चाहूँगा, जिसमें आप अपने वर्कआउट पर इंक्लूड कर सकते हो. ओके, सो वी विल बी डूइंग बॉक्स जंप्स. आपको ये 3 sets करना है, 10 repetitions. ओके, मैं आपको करके दिखाता हूँ. यहाँ से little bit distance and then now and now oh, energy lena and then jump. Okay, and then again तो नेक्स्ट एक्सरसाइज इज TRX सिंगल लंज एंड सिंगल स्क्वाट. ओके, यहाँ पे आपके आएगा दिस इज सिंगल लेग स्क्वाट. यू कैन ऑल्सो डू सिंगल लेग लंज. Thank you.
फॉर इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल्स. सो आप ये ट्राई करके देखिएगा. इसके 3 सेट्स कीजिए सेम ऑन द बोथ लेग्स 10 रेप्स. ओके सो ये नॉर्मली माउंटेन क्लाइंबर्स है विथ सस्पेंशन ट्रेनर्स एंड देन मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करते. नॉर्मली कैट एंड कैम पोजिशन में आएंगे, ठीक है, एंड देन आपके हील नीज को उठा लेंगे एंड देन यू हैव टू इमेजिन लाइक यू आर क्लाइंबिंग अ माउंटेन. स्लोली स्लोली स्पीड को बढ़ा देना. You can also do both legs. So usually ये exercise आपके body की stability and coordination को improve करने के लिए अच्छा है. आपका core strengthen करेगा, आपका lower back strengthen करेगा. आजकल लोगों को lower back का बहुत problem होता है, तो मैं उनको ये recommend करता हूँ कि आप ये exercise कीजिए ताकि आपका जो lower back है वो strong हो जाए और आपको साथ ही साथ ये आपका फैट भी टोन करेगा, जैसे कि एब्डोमिन फैट, लोअर एंड थाइस. ओके सो नॉर्मली इसको पहले ऊपर लेंगे एंड देन जैसे जैसे आपका अपर बॉडी डाउन जाए वैसे वैसे आपका एक लेग उठता रहेगा. आप जैसे वर्टिकली में आ रहे हो स्टॉप हो जाए. मैं रिकमेंड करता हूँ कि इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल लोग ही करिए क्योंकि लाइक इसमें थोड़ा बैलेंसिंग के लिए थोड़ा प्रैक्टिस लगता है. ओके थैंक यू. सो फॉर दिस वीडियो दिस वन विल बी द लास्ट एक्सरसाइज एंड इट्स अ वेरी इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर बर्निंग योर बेली फैट्स. सो दिस इज नन अदर देन प्लैंक. ओके नॉर्मली एल्बो प्लैंक एल्बो में आना एंड देन और मैक्सिमम लोगों का ये पोस्चर रॉन्ग होता है. ज़्यादा करके लोग ऐसे ऊपर जाते हैं, कोई कुछ ज़्यादा नीचे जाते हैं. आपको ज़्यादा ऊपर भी नहीं, ज़्यादा नीचे भी नहीं, लाइक अपर बॉडी लिटिल बिट अप एंड देन लोअर बॉडी लिटिल डाउन एंड देन लुक डाउन दिस. अब ये टाइमर लगा के आप जितना देर टिल फेलियर तक होल्ड कर सकते हो. ओके थैंक यू. सो गाइस बहुत ही मज़ा आया सार्विन के साथ यहाँ बैठ के, यू नो, बात करके. फिर सार्विन ने बहुत मतलब अच्छा एक्सरसाइज दिखाया. सो प्लीज़ विजिट एक्टिव फिटनेस जिम इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. ओके सो कुछ शेयर करना चाहोगे मतलब जाने से पहले? आई होप दैट जो भी मैंने एक्सरसाइज किया वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे. आप एक बार ट्राई करिएगा एंड मैं आपको इंसिस्ट करता हूँ कि आजकल मतलब लाइक बहुत सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो रही है और आजकल का लाइक अर्बनाइजेशन के वजह से, डेवलपमेंट के वजह से, आजकल के लाइक केमिकल रिलेटेड फूड्स आजकल बहुत मतलब आ रहे हैं, तो फिर उससे रिलेटेड मतलब बहुत हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं. तो आप मैं आपको एंटाइज करता हूँ कि आप जिम्स में जाइए, सिर्फ अपने अपने फिटनेस का हेल्थ रखिए क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ. सो आजकल नॉर्मली ब्लड प्रेशर भी बहुत हाई होता है लोगों का, तो मैं चाहता हूँ कि लाइक आप फिटनेस अगर करेंगे, एक्सरसाइज अगर करेंगे, तो आपको ये सब हेल्थ इश्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे. तो मैं बस इसी के साथ आज का ये मेरा जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आज के लिए समाप्त करता हूँ एंड देन नेक्स्ट आई से थैंक यू टू बेन दैट ही हैज़ कम ऑल द वे लॉन्ग आफ्टर सो लॉन्ग टाइम एंड वी हैव फाइनली मेड ईच अदर एंड वी हैव मेड अ वीडियो अगेन. And thank you for visiting here, Ben. And thank you all for watching. And then I, Ben. लेकिन एक बात है सर्विन, अगर कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स है, कुछ फॉलोवर्स है, अगर फॉलो करना चाहोगे तो कुछ ऐसा सोशल मीडिया हैंडल्स बताना चाहोगे, इंस्टाग्राम या फिर? हाँ हाँ, मेरा इंस्टाग्राम है सर्विन टेरॉन एंड फेसबुक है स्टारविन टेरॉन STARBIN. ओके आप चेकआउट कर सकते हैं, शायद बेन को पता है, वो शायद लिंक डाल देंगे वो शायद. हे गाइस, मैं लिंक डाल दूंगा यहाँ पे, प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा. सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सर्विन को भी फॉलो कीजिए, मुझे भी फॉलो कीजिए और प्लीज़ विजिट दिस एक्टिव फिटनेस जिम, इट्स ऑसम. सो ये डिफू में ही है, कुछ लोकेशन धर्मनाला. यस सो गाइस, बी हेल्दी, कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी एंड
I'll see you in the next one. Bye bye.